अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं करीम दाऊद लिमरा डैम से। काफ़ी 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ कश्मीरी फाइल्स काफ़ी चर्चे में हैं। वो क्यों चर्चे में है उसका कोई वजूद नहीं है, कोई वजह नहीं है। खाली बीजेपी वाले सर पे लेके नाच रहे हैं। मैंने सुना है कि 200 करोड़ प्लस कमा चुका है वो मूवी, लेकिन उसके बावजूद जो अग्निहोत्री जो उसका डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो मूवी को यूट्यूब में डालने से मना कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये कारोबार चल रहा है, लेकिन बीजेपी वाले तो मतलब ऐसा कुछ दिखा रहे हैं कि जैसा बहुत सारा ये हो गया। वहाँ पे हुआ क्या, कुछ टेररिस्ट लोग घुसे, कश्मीरी पंडित को मारे, अत्याचार किए, साथ ही साथ में मुसलमान लोग का भी अत्याचार हुआ, मुसलमान लोग भी मरे वहाँ पे, लेकिन उसके बारे में स्टोरी में कहीं भी नहीं है, मूवी में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो मतलब ये वन साइड चला है। विकीपीडिया इसका जीता जागता सबूत है। विकीपीडिया ने क्लियरली मैंशन कर दिया कि पार्शली दिखाया है, आधा अधूरा दिखाया है, और विकीपीडिया झूठ नहीं बोलता है। आज की तारीख में इंटरनेट से जो भी ताल्लुकात रखते हो, विकीपीडिया को अगर जानते रहेंगे तो विकीपीडिया बहुत पुरानी कंपनी है, इंटरनेट में पहला कंपनी है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, तो वो झूठी बात नहीं करता है। जो उसके वेबसाइट में जो दिखता है ओरिजिनल चीज़ होती है, कंटेंट ओरिजिनल होता है। और साथ ही साथ में मतलब अगर बनाया कोई खड़ा होगा कि ये बोलेगा कि भाई गुजरात फाइल्स बना दो, कोई ये बोलेगा कि भाई जो फेक टेररिज्म के नाम पे केस बनाए हैं वो बना दो, उसके ऊपर एक मूवी बना दो, मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा वो कौन बात करेगा। खाली वन साइड ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है समझा नहीं मुझे, एक्चुअली मुझे समझा ही नहीं। हिंदुस्तान में है 14% मुसलमान है, उसके बावजूद ये मुसलमान से डर क्यों? ये कहीं ना कहीं सियासती रंग देने का इन लोगों का प्लान है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और सामने देखा गया है कि मतलब मुसलमानों में फूट बढ़ रहा है इसी चीज़ को लेकर। कुछ मुसलमान सामने आने से डर रहे हैं, कुछ मुसलमान कैमरा में आने से डर रहे हैं। मतलब डर डर के क्या होने वाला है, आखिर मौत है। अपना अकीदा बहुत स्ट्रांग है, हमको ये मालूम है कि जब अल्लाह ने चाहा तब हमको बुला लिया, तो उसके बाद में क्या क्यों डरने का। और सब में बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोई अपोज करने को रेडी नहीं है, कोई रोड पे उतरने को रेडी नहीं है। पुलिस से डर के मारे, लाठीचार्ज से डर के मारे, ऐसा चल रहा है। अभी मतलब जब सोशल मीडिया एक्चुअली जो नेशनल चैनल है वो तो झूठी बोलता है, बीजेपी की तारीफ ही करता है, कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट करने में काफ़ी बड़ा हाथ है खास करके नेशनल मीडिया का, लेकिन सोशल मीडिया में उसकी अलग स्टोरी चल रही है, एक्सट्रीम अपोजिट स्टोरी चल रही है, जहाँ पे कश्मीरी फाइल्स आधा अधूरा मूवी है, वन साइड मूवी दिखाया गया। कश्मीरी फाइल्स में कुछ ऐसा प्रॉपर नहीं दिखाया गया जो एक्चुअली अत्याचार हुआ। कश्मीरी पंडित खुद बोल रहे हैं थिएटर में खड़ के कि भाई हम जो इंसिडेंट हुआ उसको क्लियरली नहीं बताया जा रहा। जब कश्मीरी पंडित को मारा गया था तब वहाँ पे जो मदद करने वाले रिहैबिलिटेशन जो टीम पहुँची थी वो मुसलमान पहुँची थी, वो बताया नहीं गया। यहाँ पे जो टेररिस्ट आए थे वो कहाँ से आए थे पता नहीं, वो कश्मीरी थे या फिर पाकिस्तानी थे, वहाँ पे वो दिखाया नहीं। तो मतलब क्या दिखाना चाहते हो, मतलब मूवी दिखा के तुम लोग ये पोलराइजेशन करना चाहते हो, मतलब मुसलमान ऐसे हैं मुसलमान वैसे हैं दिखाना चाहते हो। कभी मतलब अगर मैं हिंदू भाइयों से बोलूँगा, कोई हिंदू भाई जो मेरा दोस्त होगा या किसी का भी दोस्त, कोई मुसलमान का दोस्त होगा, वो शायद ये फील करे कि मुस्लिम गलत है। ऐसा कुछ होता नहीं है, इंसान इंसान है भाई। 5% हर कौम में गलत लोग है, 5% हर कौम में है, हिंदू में है, मुसलमान में है, बुद्धिस्ट में है, सब जमात में है। 5% गंदे नाली के कीड़े हैं, उसको क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और अनुपम खेर बीच में इतना फड़फड़ा रहा था हद पार फड़फड़ाया, लेकिन इसको एक्चुअली एक एक्टिंग स्कूल का लैंड चाहिए था तो वो हासिल नहीं कर पाया। जिस तरह हेमा मालिनी ने भरतनाट्यम के नाम पे बहुत अंधेरी जोगेश्वरी के इलाके में बहुत बड़े अंधेरी एरिया VIP एरिया में बहुत बड़ा कब्जा मार ली, कुछ उसने एकड़ शायद 1000 रुपये या 2000 रुपये में लिया था, उस टाइम पे न्यूज़ में पब्लिश हुआ था, कोई RTI एक्टिविटीज़ ने ये पब्लिश किया था। तो उस तरह अनुपम खेर के दिमाग में ये था कि मैं बीजेपी की दलाली करूँगा तो मुझे कोई एक्टिंग स्कूल के लिए कोई ज़मीन मिल जाएगी मुंबई सिटी के अंदर, तो वो नाकाम रहा अनुपम खेर, नाक के बल गिरा। फिर अभी ये मूवी को लेकर आके हर स्टेज में रोना धोना चालू है इसको, अपने बाप को नहीं देखा इसने। अनुपम खेर ने अपने बाप को आधा अधूरा छोड़ के आ गया था, आधा अधूरा ये बम्बई में आके महल में रहने लगा और उसके बाप को वहीं पर रखा, मरते दम तक वो इंसान वैसे ही मर गया। और अनुपम खेर इतनी सेंटिमेंट इतनी इमोशंस की बात करता है, 1 करोड़ रुपया फीस लिया है उसने, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में फीस लिया है इसमें।
अगर इतनी कश्मीरी पंडित मैं कश्मीर हूँ, मैं कश्मीर के लिए मैं कुछ भी जान दे सकता हूँ, ये बोलने की कोशिश, ये बोलने की दिल रखता हो, तो वो फीस ही नहीं लेना चाहिए ऐसे काम के लिए। जिस तरह स्पेशल अपीयरेंस में शाहरुख खान सलमान खान फीस नहीं लेते, बहुत सारी मूवी में लोग 5-10 सेकंड के लिए आते हैं, वो लोग फीस नहीं लेते। लेकिन अनुपम खेर ने खुद की खुद के ऊपर बीती हुई स्टोरी बताने के लिए 1-2 करोड़ रुपए की फीस ली। तो ये मतलब ये पूरा कारोबार है, मैं तुम लोग को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा कारोबार है। यहाँ पे कोई भी सेंटीमेंट्स नहीं, कोई कश्मीरी पंडित का दिल नहीं, कोई कश्मीरी पंडित के बारे में सोच नहीं। और बीजेपी गवर्नमेंट पोजीशन में थी उस टाइम पे पोजीशन में थी, उस टाइम के बाद में अभी पोजीशन में है, पिछले 7-8 साल से पोजीशन में है। क्यों नहीं लेके जा रहे लोग? 370 आ गया है, 370 आने के बावजूद तुमने लेके नहीं जा रहे, उसकी क्या वजह है? ये सब पोलराइजेशन है, हमको अवेयर होना है, हमको अलर्ट होना है कि पोलराइजेशन हो रहा है। अब भी मैंने सुना कि मतलब पहले ऐसा होता था कि मतलब न्यूज़ में मीडिया में ये सब चलता था कि भाई ये मुसलमान है, अभी तो गली कूचे में भी चालू हो गया। गली कूचे में भी ये बोलने वाले, ये मुसलमान है भाई, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये क्या है, एजुकेट हम जब मुझे पता है, मैं 10 जन को एजुकेट करूं, मैं 10 जन को समझाऊं, भाई ये सियासत है, ये हकीकत में नहीं है। अडवाणी के घर पे मुसलमान, वो क्या बोलते जितने भी लीडर्स है, सुब्रमण्यम स्वामी के घर पे दामाद मुसलमान, तो सबके सब मुसलमान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, घर के अंदर अलाउड है। लेकिन ऐसा बाहर निकलेंगे, माइक पकड़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोगों को मुसलमान आतंकवादी नज़र आता। सब एक नंबर के झूठे हैं, इनकी बातों में नहीं आना। खास करके कश्मीरी फाइल देखो मत, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो देखने नहीं वाला हूँ, लेकिन देखो मत, क्योंकि है कुछ नहीं, पिक्चर मेरे ख्याल से बोर कर देगा, और शायद से हम अगर थिएटर के अंदर बैठेंगे तो खून गर्म हो जाएगा, वैसे भी अपना खून गर्म हो जाता। आगे रमज़ान है, मौसम भी गर्म है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कश्मीरी फाइल्स को देखा नहीं। अगर कोई कश्मीरी फाइल्स की बात करे तो उससे गुजरात फाइल्स के बारे में बात करूँ। गुजरात फाइल्स में क्या हुआ, गुजरात फाइल्स के दंगे में क्या हुआ, ट्रेन कौन जलाया, ट्रेन जलाने के बाद में ये रिएक्शन हुआ, ऐसा बोल रहे हैं ना, ट्रेन जलाया कौन? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मतलब क्या बोलते ना, पोस्टमार्टम करने निकलेंगे ना, तो काफ़ी हद तक पोस्टमार्टम करते रहेंगे। शायद देखो मेरा भी तापमान गर्म हो गया, या ऐसा होता है मतलब सोच सोच के ऐसा लग रहा है कि हम लाचार हैं, हम लूले लंगड़े हैं। एक चीज़ पक्की है, एक बिल्ली के बच्चे को एक रूम में कैद करके अगर तुम उस पर हमला करोगे ना, जब वो बिल्ली के बच्चे को पता चलेगा ना कि इसकी जान जाने वाली है, बिल्ली का बच्चा अटैक करेगा, और काफ़ी हद तक अटैक करेगा। वो जब मरता रहेगा तब अटैक ज़रूर करेगा, रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो यही हो रहा है हमारे साथ में, हम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब हमारे गर्दन पर आ जाती है तो फिर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता है, लेकिन हर चीज़ का रिएक्शन होता है। कर्मा उतनी जल्दी छोड़ता नहीं, जो पाप करेगा उसके साथ में यहीं पे पाप होगा, जो गलत करेगा उसके साथ में यहीं पे गलत होगा। आज के लिए इतना ही, मैं करीम लेमना, टाइम से शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।